हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे शरीर का जो अंग है वो कुछ दिनों में बदलता रहता है, तो एक ही बीमारी हमें क्यों 5 साल से 10 साल तक झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये बुक है द सीक्रेट, इसी में लिखा है, आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 130 है। डॉक्टर जान हेजलिन कहते हैं कि सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में, लेकिन कुछ सालों के भीतर हमें से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। विज्ञान ने साबित कर चुका है कि हमारा शरीर, पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा शरीर है, जो इसमें का जो पार्ट है, कुछ छोटा पार्ट है तो कम दिन में चेंज, कुछ बड़ा पार्ट है वो ज़्यादा दिन लगता है, तो हमारे शरीर के अंग जो है वो चेंज होता रहता, बदलता रहता है। जैसे बाज नहीं है, अगर बाज बूढ़ा हो जाता है, एज उसका ज़्यादा हो जाता है, तो वो शिकार नहीं सही से कर पाता है, तो वो ऊंचे पहाड़ पर चल जाता है। उसे पता है कि प्रकृति हमको ऐसे दिया है कि हम अगर हम अपना ठोड़ जो है शिकार जिसे करता है वो हम पत्थर पर रगड़ कर तोड़ दें तो हमें प्रकृति नया दे देगा। उसी प्रकार हम लोगों को भी बनाया है भगवान ने, प्रकृति ने, कि इसमें जैसे कोई बीमारी है, मान लीजिए हमारा शरीर चेंज होता है तो हमारा जो बीमारी रहता है वो क्यों इतना दिन तक रहता है? इसलिए रहता है कि हम लगातार सोचते रहते हैं। ये तो हम बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर का अंग बदलता रहता है, सालों 2 साल में पूरा शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन जो बीमारी है नहीं चेंज हो पाता। इसीलिए नहीं हो पाता है कि हम रिवाइज करते हैं हमेशा कि हमको ये बीमारी है, बीमारी है। कोई भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप बताते हैं कि हमको देखना ये बीमारी है, इतना दिन से यहाँ पे दवा करा रहा हूँ, नहीं ठीक हो रहा है। फिर वो अगला बंदा बोलता है कि नहीं, आप यहाँ पे दिखाइए, तो आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी वही हाल है कि दवा लेते हैं, फिर जो दवा चलता रहता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होता। बीमारी ठीक कहाँ से होगा? जब आप अपने दिमाग में, एक बंदा था उसे टीबी हो गया था, तो उसने ये ठान लिया था कि नहीं, मैं 3 महीने बाद इसे ख़त्म कर दूंगा। वो दवा भी खा रहा था और अपने आप को फील कर रहा था, वो बुक भी पढ़ा उसी समय पढ़ रहा था, और उसमें नॉलेज मिलता था, तो अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता था कि ऐसे तो हमको बीमारी हुआ ही है टीबी, तो क्यों ना हम, आखिर में बुक में लिखा है तो गलत थोड़ी नहीं लिखा होगा। तो वो अपना रिवाइज करता था, 3 महीने के बाद वो सही हो गया। तो दिमाग ऐसा चीज़ है कि आप जिस पे सोचेंगे, अगर कोई चीज़ है आप जिसे आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप उसमें बुरा सोचते जाएंगे ना, तो आपको आकर्षण बुरा ही चीज़ होगा। अगर आपके साथ बुरा हुआ तो आप ये सोचें कि काश ये हुआ, हमको ये नहीं हुआ, उससे बड़ा सोच लें तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो यही था दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।